नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे पहले कि यह विश्लेषण आगे बढ़ाया जाए, इमरान लोंडे की सलाहकार फिरदौस आसिफ कवान को सुन लेते हैं। जरा ध्यान से सुने, यह क्या संदेश दे रही है। टांगे हूं वो प्रोटेक्ट हूं, ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। ये सारी चीजें आपको साथ साथ चलानी है और ये भी एक मेडिकल साइंस है और इसके लिए हमने मिल के काम करना है। देखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, जिसे टांगों का धारण कोई दूसरा देता तो बात आई गई हो जाती, मगर यह महिला एक MBBS डॉक्टर भी है। पाकिस्तान में इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि कोरोना नीचे से भी आ सकता है और पीछे से भी घुस सकता है। संभवतः मदरसा पैदाइश का संकट भी यही है कि इन पर जब भी कोई पार गिरता है, वह पिछवाड़े पर ही गिरता है। शायद इसलिए भी कि तशरीफ पर रुमाल बांध कर यह उसे 5 बार आसमान की तरफ उठा देते हैं। शायद इसीलिए फिरदौस आसिफ कवान को शक है कि जिस्म का यही अंग ज्यादा मुसीबत में है। यूं भी पाकिस्तान में दो चीजें ही मशहूर है, एक तहमंद का बाजार, दूसरा गधों का व्यापार। इसलिए गधों को गधों की भाषा में समझाने का यहाँ के नेताओं को पुराना तजुर्बा है। अब जिन्हें गधों के बीच में भालू देखना है, वे इस जनाब को सुन सकते हैं, क्योंकि इस फकरू के चर्चे भी शेख चिल्ली के बाद बड़े चाव से सुने जाते हैं। पोलियो है, अब पाकिस्तान वाहिद दुनिया में दो मुल्क रह गए, या मेरे ख्याल में दो मुल्क रह गए जिधर पोलियो है। ये बड़ी इसकी खतरनाक इसलिए है कि ये फैलती, ये भी एक जिस तरह ही इतनी तेज तो नहीं फैलती जितनी ये कोरोना फैलती है, लेकिन ये भी फैल सकती है। तो इसके ऊपर एक पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तान में। अब क्योंकि कोरोना आया तो दो हमने जो कैंपेन्स करनी थी वो बीच में रह गई, और इसके बड़े असरात है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता पोलियो फैलता है तो हमारे जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनके ऊपर असर आता है इसका दुनिया। यानी जब पूरी दुनिया छाछ लेकर डूब की जड़ें ढूंढ रही है, पाक का PM अल्लाह से झमझम बारिश की फरियाद कर रहा है, दुनिया की कोरोना वायरस से फटी पड़ी है, पर यह लोंडा पोलियो से भी पाकिस्तान की फाड़ रहा है। मतलब तरबूज तशरीफ पर रखकर ही नहीं काटा जा रहा है, उसे सिर पर भी फोड़ा जा रहा है। दुनिया में पोलियो के मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही बाकी है। अब इस लोंडे ने पोलियो को भी ट्रेंड में ला दिया है, पर इसके अलावा भी पाकिस्तान में एक चीज सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। इसे भी इमरान खान ने ही बनाया था, जिसको इसने नाम दिया टाइगर फोर्स। वैसे पाकिस्तानियों ने इसे तैमद फोर्स का नाम दे दिया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई खुद को टाइगर कहलाना पसंद नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां गधों की भरमार है, बल्कि इसलिए कि गधे में भी रास्ते की परख होती है। अब जिन्हें गधों की स्पार्कीपन को देखना है, वे इमरान खान के इस करीबी को सुन सकते हैं। टाइगर फोर्स का सही मतलब इस जनाब से बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो तनकीद है वो होगी। इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कहते हैं मेरे टाइगरो, और ये कहते हैं मेरा नचड़े नु दिल करता। अब टाइगर की भी कहानी सुनी। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, इमरान खान साहब के घर गया मैं। अच्छा, बनीगाला जाने की? नहीं, बनीगाला नहीं बना था उस वक्त, जमान पार्क गया। ओके। कैंसर हॉस्पिटल की मूवमेंट चल रही थी, यहां पे बैज लगा हुआ था इमरान टाइगर्स। आपके उस पे? हाँ, सीने पे। हम सब इमरान के टाइगर थे, जैसे आज ये हैं, हम टाइगर थे। वहां पहुंचे, इमरान खान साहब से मिले तो इमरान खान साहब के कुत्ते ने मुझ पर हमला किया। ओ माय गॉड, यहां अभी भी निशान है। खान साहब को कुत्ते का नाम है शेरू? नहीं, शेरू से पहले वाला था। उसका नाम मैं बताता हूं क्या था। जब खान साहब के कुत्ते ने मुझ पर हमला किया तो इमरान खान साहब ने उसको डांटा और कहा टाइगर, कुत्ता दम दबा के बैठ गया। मैं अब इमरान साहब की तरफ भी देखूं और अपने सीने से लगे बैग की तरफ भी देखूं। मैंने बैग उतारा, खान बेग साहब वहां पे इमरान खान साहब के पुराने वो थे खिदमत गुजार, मेरा उनसे बड़ा था पहले था। मैंने कहा बाबा खान बेग, ये तू बैग पकड़, मैं टाइगर किसी का? आप भी टाइगर? आप अगर एक आदमी की नफ्सियात ये है, वो कारकुन को भी टाइगर समझता है, कुत्ते को भी टाइगर समझता है, तो मुझसे कोई तवक्को रखे कि मैं वो सुनी ले रहा आरिफ साहब? मैंने क्या दिया? आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।